बेटे की चाहत में पिता बना नाबालिग बेटियों का दानव। 10 सालों तक अपनी ही नाबालिग बेटियों से पिता करता रहा रेप। बिहार के बक्सर जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां बेटे की चाहत ने पिता को इस कदर अंधा बना दिया कि उसने तांत्रिक की सलाह ली और रिश्तों को शर्मसार करते हुए अपने ही दो नाबालिग बेटियों के साथ 10 सालों तक बलात्कार किया। मंगलवार को बक्सर पाक्सो कोर्ट ने आरोपी पिता और तांत्रिक को उम्र कैद की सजा दी है। कोर्ट ने सजा के साथ साथ 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं दुष्कर्म मामले में शामिल मां और मौसी को भी कोर्ट ने 20 साल की कठोर सजा के साथ 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह पाक्सो के विशेष न्यायाधीश मन कामेश्वर प्रसाद चौबे ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सभी दोषियों को सजा सुनाई और जुर्माना लगाया। देखिए ये रिपोर्ट। तांत्रिक की सलाह पर पिता बना हैवान। पिता ने अपनी ही दो नाबालिग बेटियों के साथ 10 सालों तक किया रेप। बता दें कि बेटे की चाह में आरोपी पिता ने तांत्रिक के कहने पर अपनी ही सगी 12 साल की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार किया और फिर बेटा हो जाने के बाद बेटे की जान बचाने के लिए अपनी 10 साल की दूसरी बेटी के साथ भी दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया। फिर तांत्रिक के बहकावे में आकर तांत्रिक और पिता मिलकर लगातार दोनों नाबालिग बेटियों के साथ बलात्कार करते रहे, मगर उन बच्चों ने कुछ सालों तक इस अत्याचार को सहते हुए आखिरकार अपने ऊपर हो रहे अत्याचार की कहानी हिम्मत करके किसी को बताई, जिसे सुन उस व्यक्ति ने फौरन पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर मामले को संज्ञान में लेते हुए 28 मई 2022 को राजपुर निवासी विनोद कुमार सिंह और तांत्रिक अजय कुमार, माता निर्मला, मौसी मंजू देवी के अलावा जुर्म करने के सहयोग में जयलाल सिंह के खिलाफ महिला थाने में FIR की गई। पीड़ित किशोरी ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि तांत्रिक के कहने पर पूरे परिवार की सहमति से पिता दुष्कर्म करता था, यहाँ तक कि बेटा हो जाने के बाद भी पिता और तांत्रिक दोनों दुष्कर्म करते थे। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने जांच कर कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सबूत के आधार पर आरोपियों को दोषी पाया और सजा सुनाई। वहीं मामले को लेकर वकील सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी का बेटा नहीं था, उसकी केवल दो बेटियां ही थी। पत्नी और बहन के कहने पर तांत्रिक से संपर्क किया और बहकावे में आकर अपनी दोनों बेटियों के साथ बारी बारी से घिनौनी हरकत करने लगा। क्या आया है फैसला? मामला राजपुर थाने से संबंधित है, जिसकी प्राथमिकी महिला थाने में दर्ज कराई गई थी और दो सगी बहनों ने माँ, पिता, मौसी, तांत्रिक एवं एक अन्य जयलाल पर आरोप लगाई थी बलात्कार करने की, जिसमें कोर्ट ने कल दोष सिद्ध करते हुए पिता और तांत्रिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और माँ और मौसी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है और एक जयलाल करके था जिसको न्यायालय ने 7 वर्ष की सजा सुनाई है। क्या था मामला? क्या था मामला? मई 2022 का था, जिसमें दोनों पुत्रियों ने, सगी बहनों ने अपने पिता पर ही बलात्कार का आरोप लगाया था और उसमें माँ और मौसी सहयोग करती थी और तांत्रिक भी सहयोग करता था, ये कह करके ये संबंध बनाओ नहीं तो तुम्हारे पिता को लड़का नहीं होगा, इस तरह से कुछ करके केस था। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक जयलाल करके है, जिसका नाम पुत्रियों ने नहीं बताया था, लेकिन प्राथमिकी में ऐसा साक्ष्य आया था कि जयलाल उन सबों के नाम के फादर के नाम के जगह पर अपना नाम दर्ज करवा करके और उन बच्चियों को होटलों में ले जा करके रखवाता था और किराए के मकान पर भी रखवाया हुआ था, जिसमें अपना ही आधार कार्ड दिया हुआ था और उसको भी कोर्ट ने दोषी पाया है और 420 के तहत अधिकतम 7 वर्ष की सजा उसको भी हुई है। यही मामला है। फिलहाल पुलिस जांच में ये पता चला है कि आरोपी पिता बेटा हो जाने के बाद भी अपनी दोनों बेटियों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता रहा। दोनों बेटियों को होटल में जबरन देह व्यापार के लिए भी भेजता था, जिसके आधार पर मामले की सत्यता पाए जाने पर कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा दे दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।